और ये सामने ग्रैंड विटारा की पड़ी है, नई गाड़ी है, नंबर प्लेट भी नहीं है इसकी, तो नंबर प्लेट भी नहीं है इसकी, कैसे टूट गई। तो आज हम गाड़ी की पहली सर्विस करवाने के लिए जा रहे हैं। अभी गाड़ी 600 किलोमीटर चल चुकी है, अभी बजे हैं 10:50। तो ग्रैंड विटारा की सर्विस में कितना टाइम लगता है और कितने चार्जेस लगते हैं, ये आज हम देखेंगे। भाई बाहर का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, लगातार बारिश चल रही है। दुकान से पापा को पिक करेंगे, पापा ये सामने जा रहे करनाल, तो हम उसी तरफ को जाएंगे, लेकिन पहले हम जाएंगे झिंझाना, क्योंकि यहाँ से पापा को पिक करना है। रोड में ऐसा लग रहा है जैसे गड्ढों में रोड हो। ये देखो भाई यहाँ से रोड इतनी ख़राब हो रही, ये देखो भाई कितने कितने गड्ढे हैं, गाड़ी समझ जाए इसके अंदर। इसकी सबसे बढ़िया बात यही है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें गाड़ी में जो सबसे बढ़िया बेनिफिट जो लगा है ना, वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। 210 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। क्लियरेंस इतना बढ़िया है भाई कि बढ़िया से बढ़िया जो गड्ढे हैं ना, वहाँ से ईजिली निकल जाती गाड़ी, उनमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो भाई ये है यमुना नदी, और यहाँ पे कितना पानी भर रहा, देखो डूब रहा वहाँ घर सा, वो तो भाई यहाँ पे पानी भर रहा पूरा, और एक घर सा भी डूब रहा वहाँ पे, एक वो है एक घर सा वो डूब रहा है उसमें। करनाल पहुँच चुके भाई, बस थोड़ा दूर बचा हुआ है नक्शा, फिर वहाँ जाके सर्विस कराते हैं। तो करनाल नेक्सा में आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम कराएंगे सर्विस, और गंदी बहुत हो गई भाई। अब इसको सर्विस में देंगे और उसके बाद वेट करेंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है। सर्विस के बाद शायद क्लीन भी करके देंगे। गिनिश खड़ी हुई यहाँ पे पूरी टंबल हुई, ये पलटी खाई हुई है। तो भाई थोड़ी देर तो अंदर बैठेंगे लॉन्च में, उसके बाद चलेंगे बाहर। गाड़ी का जो कार्ड ओपन होगा, गाड़ी की फ़ोटोग्राफ्स होंगे। तो यहाँ एक महीने के बाद हम दूसरी बार आए हैं, अभी तीसरी बार आए हैं, क्योंकि जब ने गाड़ी ली थी उसके एक दिन पहले भी आए थे हम गाड़ी चेक करने के लिए, और उसके अगले दिन भी आए थे, और अब तीसरी बार आना हुआ है। तो ये गाड़ी दे दी है सर्विस के लिए, जॉब कार्ड ओपन हो गया, अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि अभी बीच में लंच भी है, तो हम यहाँ 2:30 बजे तक क्या करेंगे, तो बाहर घूम के आते हैं। अभी हम जा रहे हैं करण झील, चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ वो यहाँ से हमने ऑटो पकड़ लिया, ये ई रिक्शा, यहाँ पे ये ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे बैटरियाँ चेंज होती हैं। तो जैसे हमारे भाई ने अभी यहाँ से बैटरी निकाली है, अब वो दूसरी बैटरी चार्ज बैटरी इसमें लाके लगा लेगा। यह तो सिलेंडर की तरह है, मुझे सिलेंडर होता है रिफिल करा लो, जाके दूसरा सिलेंडर भर के लिए आओ, ऐसे ही है भाई। और ये इसके अंदर फिट कर लीजिए, चल जा भाई, वो चल जाए 60-70। लंबा रूट नहीं, फिर यार लोकल चलानी, लंबा रूट हो फिर दो ले लें हम। तो यहाँ पे भर चुका है पानी, देखो दुकान में वाके पानी भर चुका है पूरा, तो पीछे देखो। तो ऐसे में तो पुनीत सुपर स्टार के पूरे मजे आ रहे होंगे। पिज्जा खा लो फ्रेंड्स, तो बस स्टैंड लग रहा है यहाँ का। और ये देखो भाई, ये देखो ऐसे पानी भरा हुआ भाई, करण झील जाने की जरूरत ही नहीं है। पानी देखो, एक पानी भरा पड़ा है, ये देखो करण झील के मजे फ्री में। मेरी बना दे क्या ला। लेकिन भाई यही इंडिया है, यहाँ चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ते हैं, और समुंदर में भी रास्ता निकाल लेते हैं। ये देखो चाहे यहाँ पे बाढ़ आ जाए, लेकिन यहाँ पे काम ही रुकेगा,
बस स्टैंड है यहाँ का। अब यात्री अंदर जाए तो जाए कहते भाई झील के अंदर हम जाते हुए। ओ भाई साहब ये यहाँ का कर्ण पार्क है। आम याम भाई आम याम। मैक्स डॉलर आ गया है तो भाई हम आसपास ही बस पहुंचने वाले हैं। आसपास ही था इधर है। वेलकम टू करण जी। अच्छा वो अभी चल ही रहा हुआ। अच्छा 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 हो रहा है। तो वाटर पार्क है। गर्मी होती ना फिर ज्यादा एंजॉय हो जाता है। हां हां हां। मौसम ठंडा है। हां ओके। ये सामने करण का स्टैचू बना हुआ है। करण झील के अंदर एंटर कर चुके हैं और इसमें बोटिंग हो रही है और यहां पे बोटिंग करेंगे फिर। कैप्टन बारबोसा इज बैक गाइस। पिछले वाला व्लॉग तो बोल इसमें आज आपका कप्तान बारबोसा। भाई उस टाइम का कैप्टन ही था जब इसने बोट डुबा दी थी। उसने कहा था जितनी टाइट हो उतने बचे रहो। मौत का खेल वापस शुरू होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर किसी ने ऋषिकेश वाली राफ्टिंग का व्लॉग नहीं देखा हो तो यहाँ मैं आई बटन पे दे दूँगा। इधर आता पता नहीं जरा आता है वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ हमारी बोट पलट गई थी तो हम मौत के मुँह से हम बच करके आए थे और वहाँ जो हमें बचाया था वही जैकेट नहीं बचाया था। तो भाई बोट आ चुकी है। 31 नंबर बोट है ये। हमको स्पीड लगभग अभी थोड़ी कम रखनी है 20 के आसपास। गाइस इसमें क्रोकोडाइल भी हो सकते हैं कोई अंदाजा नहीं है हमको। जय भोलेनाथ जय भोले। तो भाई यहाँ पे इसका ये लीवर है जिससे हम डायरेक्शन देंगे ऐसे। यहाँ इसके पैडल हैं। इसमें दो ही लोगों के लिए पैडल दे रखे हैं। हम फर्स्ट टाइम करण लेक में आए हैं और यहाँ बोटिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। और वैसे ही बताऊँ तो बहुत टफ है ये। पैर में दर्द हो गया ऊपर मान लो कुछ बड़े बड़े चमका चढ़े तो कप्तान चेंज हो गया। कप्तान अब पूरी बोट को कमांड करेगा। बाकी दोस्तों अब इसकी ऐसी रेल बना दूंगा किसी ने सोची ना होगी। कप्तान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस। तो अब हम उनको लूटने के लिए जा रहे हैं। वहाँ से चले थे हम और इतना दूर तो चला के आ गए गाइस। अब हम उनको लूटने के लिए जा रहे हैं गाइस। अब थोड़ी देर इन्जॉय करेंगे पानी के बीच में। जैकेट से दम घुट गया। फोटो जय श्री राम। हर हर महादेव। अरे अरे टकरा जाएगी शंकर भगवान की। अरे 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 गाइस घुटनों की गिरीस खत्म हो गई है। भाई इतनी एक्सरसाइज कर ली किसी ने सोची ना होगी। जिम जाने की जरूरत नहीं है आज का तो एक महीने का ऊटा पर हो गया। तो भाई आज पानी का ओवरव्यू दे दूँ तुम्हें। पानी इतना भी साफ़ नहीं है लेकिन हमें बोटिंग करना है नहाना थोड़ी ना इसके अंदर। तो भाई प्राइस की बात करते हैं। प्राइस यहाँ पे जो 2 सीटर है उसके 300 रुपये हैं और अगर 4 सीटर लेना है तो उसके 500 रुपये हैं। लेकिन हमने यहाँ पर दिए 300 रुपये। सॉरी हमने लिए हैं हमने दिए 400 रुपये। उसने खुद लिए हैं गाइस हमने नहीं दिए। उसने कहा कि
400। तो हमने कहा हम तो तीन जने हैं, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं आप 400 रुपये दे दो। तो हमने 400 रुपये में बोट चला ली भाई। और जो टाइमिंग है उसका वो है 30 मिनट्स का, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ लिखा हुआ 30 मिनट्स का, लेकिन 30 मिनट में आदमी क्या ही चलाएगा। 30 मिनट में तो अभी हमें यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया, 15-20 मिनट हुई होंगी, 20-21 मिनट हुई होंगी, और हमारा घुटनों का ग्रीस खत्म होने वाला है। तो 30 मिनट बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है 30 मिनट ही है, उसके बाद भी अगर तुम थोड़ा बहुत लेट हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी इतने प्राइस में यहाँ पे घूमना इट्स कम्प्लीटली वर्थ, मुझे तो लगा वर्थ है, क्योंकि 400 रुपये में तीन जने बोटिंग कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। तो भाई अगर यहाँ पे अगर करनाल आओ तो यहाँ पे आ सकते हो, कम्प्लीटली वर्थ है मेरी तरफ से। तो आ सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। और भाई अगर झील की लंबाई चौड़ाई देखोगे ना, वो भी बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं छोटी सी पौंड सा बना दिया हो, लेकिन झील काफ़ी बड़ी है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं, यहाँ कोई स्टे करना चाहे तो स्टे भी कर सकता होगा शायद, लेकिन बाहर कैंटीन है तो कैंटीन में कुछ खाना पीना हो तो खा सकते हैं। तो लहरें बहुत तेज है, हमारी बोट ऐसे हो रही है। तो भाई वापस अपनी पोजिशन लेते हुए चलो। दोस्तों तो भाई ऊपर है ना बहुत बड़े बड़े चमगादड़ लटक रहे हैं उल्टे, बहुत बड़े, मैंने इतने बड़े चमगादड़ नहीं देखे आज तक। ये गाइस अब हम गाएंगे बेटा ने केक इन द सेंटर ऑफ लेक। ओ भाई देख सामने के लड़के मौज मस्ती काटने आए हैं करण लेक के अंदर। तो भाई अब वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, हमें यहाँ अपनी शिप को पार करेंगे और फिर चलते हैं। भाई इसका मेन्यू कार्ड है। तो भाई यहाँ पे कोई भी आए तो अपने वाहन से आए, क्योंकि थोड़ा अंदर पड़ जाता है, मतलब कोई मिल जाए खड़ा हुआ वहाँ पे ऑटो वाला तो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे वैसे कोई मिलेगा नहीं, तो उसके लिए यहीं पे आना पड़ेगा। और ये वहाँ से कम आधा 15 किलोमीटर दूर है। इधर तो जगह नहीं है, चलो चलो भाई। तो भाई निकल चुके हैं नमस्ते चौक के लिए। नमस्ते चौक के लिए भाई 3 बज गए, इसे बैठे बैठे आधा घंटा हो गया। तो भाई ये वेटिंग एरिया है, यहाँ बैठ सकते हैं। लिया इधर यहाँ सर्विसिंग हो रही है, तो जिसको भी देखना है अपनी गाड़ी आप देख सकता है बैठ के। हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, बस उस पर वॉशिंग हो रही है, अभी गाड़ी चेक करेंगे या फिर लेके जाएंगे, तब तक यहाँ बैठ के कुछ खा पी लेते हैं। वही हमारी गाड़ी वॉश हो चुकी है पूरी तरह, देख लो मैट वैट भी पूरे साफ हो गए, गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हो गई है, और ये यहाँ पे पूरा पूरा वॉश भी हो गया। ये देखो भाई ये हमने सामान रख लिया वापस से अपना सारा। तो भाई गाड़ी की सर्विस हो गई, गाड़ी चमक गई अंदर से भी बाहर से भी हर जगह से। उन्होंने इसमें कोई ऑयल वगैरह या फिर कुछ भी इंजन ऑयल वगैरह या फिल्टर वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ, ये बस चेकअप था और गाड़ी वॉश की है। तो भाई जमुना के पास रुके हैं और जमुना अपने पूरी जो लहरें आ रही हैं ये पूरी उफान पे हैं अपनी, ये सिक्का फेंकने वाला है ये हमारे। चलो रहा मैं ये सिक्का सबसे दूर फेंकूं आज, चलो फेंको। वो गया पता नहीं कहाँ गया दिखने का।